भैया अब जाने भी देना, सॉरी बोल तो रही है, माना को उससे गलती हो गई है, लेकिन आपको पता तो है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, तो हम सब बोलती है ये झूठ, झूठ बोल सकती है ये, अब हमें इस पर एतबार नहीं रहा। हेलो मन्नत, कहाँ थी यार तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। इज एवरीथिंग ऑल राइट? मन्नत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या बात है? फिर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात तो नहीं पक्की कर दी? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, तुम्हें तो बड़ा मान था अपने घर वालों पर। कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते, और कहाँ के तुम्हारे बड़े भैया जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। मेरी बात तो सुनो मुराद। मुझे कुछ नहीं सुनना है यार, अपने घर वालों के सामने तुम बोल नहीं सकती, और बड़े दावे करती थी कि बड़ा रूप है तुम्हारा अपने घर के अंदर, खाक रूप है यार तुम्हारा। तुम्हारे बड़े भैया से ना मेरी अम्मी हजार दर्जे अच्छी, जो पीठ पीछे वार नहीं करती, अलल ऐलान मारती है। मुराद मेरी बात सुनोगे? क्या हो गया? बोले जा रहे हो, मुझे कुछ कहने का मौका दोगे? अभी सिर्फ बड़े भैया के दोस्त का भांजा लंदन से वापस आया है, तो वो सिर्फ मिलने के लिए आए थे। और वो भी क्या मिलना, मुझे आते आते देर हो गई, नहीं मुलाकात हो सकी, इसलिए बड़े भैया बहुत नाराज है, लाइक लिटरली शदीद नाराज। थैंक गॉड यार। मैं बहुत डर गया था। जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ है नहीं, लेकिन अनकरीब वैसा होने के चांसेस बहुत है। क्या मतलब? बड़े भैया बहुत बदल गए हैं मुराद, वो मुझसे ऑफ से हो गए हैं, शक करने लगे हैं मुझ पर। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़े भैया से झूठ नहीं बोलना चाहती। ये छुप कर फोन पर बात करना, रेस्टोरेंट में मिलना, मैं तुम्हें पाने की खातिर अपने बड़े भैया का एतबार नहीं खो सकती। I'm sorry, I can't do this. कब से कॉल कर रही थी, आपने कॉल ही नहीं उठाई, क्या हुआ, नहीं हुई जमानत? फैसल बताए ना, नहीं हुई क्या जमानत? हो गई है, बादशाह सलामत चले गए अपने घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल गलती से भी इस बात का जिक्र ना मुराद भाई के सामने ना करिएगा। एक्चुअली मैंने अम्मी से प्रॉमिस किया था कि मैं मुराद भाई को भिनक भी नहीं पड़ने दूंगी इस बात की। मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया, इतनी शर्म आ रही थी मुझे मैडम सफीना से बात करते हुए। मैडम ने करवाई है जमानत, तो चलें कोई नहीं, कौन सा आपने रोज रोज आके जमानत करवानी है? पहली बार अम्मी ने कोई काम बोला था मुझे, मैंने तो इसलिए हामी भर ली कि शायद इसी बहाने आप अम्मी के दिल में जगह बना लें। ना ही उनके सीने में दिल है और ना ही मुझे इस तरह उनके दिल में जगह बनानी है। अरे आप तो ऐसे बात बात पे काट खाने को दौड़े जैसे अपनी जेब से जमानत करवा कर आए। पैसे तो मेरी अम्मी ने भिजवाए, आपने तो वहां जाके गारंटी देनी थी ना। इतना बात पैसों की नहीं है,
बात इज्जत नफ्स की। शुक्रिया कहना तो दूर की बात, तुम्हारे शौकत भाई ने सलाम तक करना गवारा नहीं किया और रही सही कसर तुम्हारी अम्मी ने निकाल दी। अपने दामाद को एक तो कॉल कर सकती थी ना वो। पापी, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अभी तक सोई नहीं आप? तबीयत तो ठीक है? नींद तो रोक गई है मुझसे, और आज नींद की गोली खा के सोने का दिल नहीं है मेरा। बहुत छोटा था मैं वक्त, अम्मी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी ना समझ बूझ थी। आज मैंने आपके लिए स्टैंड ले लिया। अपने लिए तो स्टैंड ले सकते हो ना। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इतरत की तरह लव मैरिज करो, अम्मी की बद्दुआएं समेटो, नाराजगी मोल ले लो, या फिर मेरी तरह आधी रात को बैठ के तारे गिनो। लेकिन दोनों सूरतों में नींद की गोली का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं नहीं यार, मैं किसी की नहीं सुनती, और फजीलत आपी की तो बिल्कुल भी नहीं, सबसे ज्यादा बैरिंग उनसे। वैसे कोई फायदा नहीं किसी से बात करने का, मामला मजीद बिगड़ जाए। शौकत भाई, शौकत नुदरत बाजी और शौकत भाई से बात करके देखते हैं, आफ्टर ऑल वो आंटी के चहीते दामाद हैं। और शौकत भाई का नाम भी ना, उनकी नेक नामे की चर्चा मन्नत के भाइयों के कान में पड़े ना, तो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना वो भी खत्म हो जाए। ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रहा ये काम करेगा कौन। हेलो गाइस, सॉरी मैं लेट हो गई। क्या हुआ, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया? मिल गई। कौन, मन्नत? अभी कहाँ, दूर दूर तक कोई चांस नहीं। मन्नत नहीं, बिल्ली के गले में घंटी डालने वाली मिल गई। बिल्ली के गले में घंटी? आंटी से वही शख्स बात कर सकता है जिसका उनके साथ पुराना पड़ा ना हो। बस बात करने वाला कोई माकूल इंसान होना चाहिए। मसलन? आंटी से तुम्हारे और मन्नत के रिश्ते की बात हजरा करेगी। What? Yes.